और नाज़रीन यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। वफाकी काबीना के 5 नुकाती इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। काबीना इजलास में दरामदात, बरामदात और तिजारती तवाज़ुन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन बेहज़ाद सलीमी से। बेहज़ाद सलीमी, बताइएगा आज का होने वाला ये वफाकी काबीना का अहम इजलास जो है, इसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज 11 बजे वज़ीर आज़म हाउस में शुरू होगा। इस इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी किया गया है और काबीना इजलास में बरामदात और तजारती तवाज़ुन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास में रिटायरमेंट की डायरेक्टरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर आज़ादी नोट के इजरा की मंजूरी भी दी जाएगी। इसी तरह IT बरामदात, कारकर्दगी और मतवक्के शरे नमू से मुतलक भी वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी और ECC के इजलास के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल है। जबकि एजेंडे से हट के ज़राए का कहना है कि इजलास में मुल्क की माशी, सियासी और दाखिली सूरत हाल और हुकूमत को दरपेश चैलेंजों का जायजा लिया जाएगा और इस इजलास में अहम फैसले मतवक्के हैं। जी ठीक है, बेहज़ाद सलीमी आप तफसीली तौर पर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।